जापानीज ब्रांड कावासाकी पूरी दुनिया पे उन लोगों का स्टाइलिस्ट और परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक की वजह से बहुत ही पॉपुलर और उन लोगों का निंजा सीरीज का बाइक दुनिया का बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक सीरीज माना जाता है और निंजा सीरीज का H2R है वर्तमान दुनिया का रोड लीगल सबसे स्पीड वाला सुपर बाइक। लेकिन निंजा का बच्ची वर्षन कावासाकी निंजा 125 बाइक कुछ ही दिन पहले हमारा देश में आया है जिसको बेबी निंजा बुलाया जाता है। तो कावासाकी निंजा 125 ये बाइक मेनली यूरोप की बाजार के लिए लर्नर फ्रेंडली बाइक के रूप में तैयार किया गया है और ये मेड इन इंडिया का कोई चीज नहीं, ये यूरोपियन बाजार का स्टैंडर्ड एक बाइक जिसकी वजह से ये 125 सीसी का बाइक होने के बाद भी हमारा देश पे ये मोस्ट महंगा एक बाइक और बाइक का कीमत थोड़ा ज्यादा है लेकिन हमारा देश पे ये इसका काबिल दाम पे ही है। इसका कारण है यूरोप पे ही इस बाइक का कीमत है 3,700 यूरो और कुछ ही दिन पहले कावासाकी उन लोगों का निंजा 125 सीसी का बाइक की 2020 साल का नया वर्षन की बाइक बाजार में लॉन्च किया जिसका बॉडी ग्राफिक अलग और नया कलर वर्षन एड किया गया है पर हमारा देश पे अभी भी 2019 साल का वर्षन ही है। तो इस वीडियो में हम लोग कावासाकी निंजा 125 का 2019 साल की वर्षन के बारे में बात करेंगे। तो पहले ही शुरुआत करता हूँ बाइक का डिजाइन देकर। कावासाकी निंजा 125 का डिजाइन को लिया गया है निंजा 250 SL बाइक से और देख सकती है बाइक पे 1 बल्ब का LED हेडलाइट दिया गया है। मुझे लगता है हेडलाइट का डिजाइन थोड़ा सिंपल हो गया है जिसकी वजह से सामने से वैसा एग्रेसिव नहीं लगता है क्योंकि ऐसा डिजाइन का हेडलाइट बहुत ही कॉमन और बहुत ही पुराना वर्शन का और अगर इस बाइक का हेडलाइट ऐसा डबल LED का होता तो इस बाइक को देखने पे और भी एग्रेसिव लगता। इसका कारण ओवरऑल ये बाइक देखने पे जितना स्पोर्टी हुआ है इससे हेडलाइट भी थोड़ा और स्टाइलिस्ट उम्मीद किया था। और ये है बाइक के सामने की LED इंडिकेटर और पीछे देख सकती है LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर यूज किया गया है और बाइक पे दिया गया है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल या मीटर। इसके अलावा भी पाएंगे स्पोर्टी 3-पार्ट हैंडल बार है, 11 लीटर का स्टाइलिस्ट फ्यूल टैंक। बाइक का और एक चीज अच्छा नहीं लगा, इस पे यूज किया गया है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। सच बोलने पे एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का बाइक पे मैं अपसाइड डाउन सस्पेंशन उम्मीद किया था। इसके अलावा भी यूज किया गया है साइड एग्जॉस्ट या साइलेंसर पाइप और दिया गया है स्पील सीट जो पिलियन लेकर घूमने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल। और देख सकती है बाइक पे टेलिस फ्रेम दिया गया है जिसकी वजह से बाइक को साइड से देखने पे काफी एग्रेसिव लगता है और बॉडी ग्राफिक्स भी काफी चमत्कार। बाइक पे 2 अलग कलर का मिक्स दिया गया है और कुल मिलाकर 3 कलर का ये बाइक मिलता है। एक है लाइम ग्रीन और मेटालिक ग्रे और एक है मेटालिक ग्रे एंड सिल्वर और एक है कैंडी प्लाजोमा ब्लू और मेटालिक ब्लैक का मिक्स। और बाइक पे पाएंगे डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS, तो समझ ही सकते हैं कंट्रोलिंग की तरफ से ये बेस्ट होने वाला है। और बाइक के सामने यूज किया गया है 100 सेक्शन का पहिया जो R15 का सामने की पहिया की जैसा मोटा और पीछे पाएंगे 130 सेक्शन का पहिया जो Apache RTR4B का पीछे की पहिया की जैसा मोटा। दूसरी ओर बाइक का सीट हाइट है पल्सर UG बाइक की समान। इसका मतलब है ये बाइक पल्सर की समान ऊंची होगा और आप आपका हाइट लेकर अगर पल्सर चला सकती है तो निंजा 125 बाइक चलाने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाइक का टोटल वजन है 148 kg जो R15 से भी 2 किलो ज्यादा भारी। और इस बाइक पे कोई किक स्टार्ट ऑप्शन रखा गया नहीं, ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन रखा गया है। तो अब चलिए बाइक का इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में छोटे से जान के आता हूँ। सिंगल सिलेंडर 125 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो हाईएस्ट 15 हॉर्स पावर शक्ति तैयार कर सकता है जो नया सुजुकी जिक्सर SF से 0.8 हॉर्स पावर ज्यादा। और बाइक का टॉर्क है 11.7 न्यूटन मीटर और RPM है 7000। तो बाइक का हॉर्स पावर की तुलना में टॉर्क और RPM काफी कम होने की वजह से मुझे लगता नहीं इस पे आप रेडी पिकअप पाएंगे। और 6 स्पीड का गियरबॉक्स वाला ये बाइक 0 से 60 किलोमीटर तक स्पीड उठाने पे टाइम लेता है 6.4 सेकेंड और 0 से 100 किलोमीटर तक स्पीड उठाने पे टाइम लेता है 16 सेकेंड। और बाइक पे आप हाईएस्ट 120 किलोमीटर तक टॉप स्पीड पा सकती है और फ्यूल इंजेक्शन इंजन वाला ये बाइक पे आप एवरेज 45 किलोमीटर तक माइलेज पाएंगे। दूसरी ओर ये बाइक का कीमत की बात है, इंडिया पे ये बाइक का कीमत है 1,50,000 रुपए जो R15 से भी 10,000 रुपए ज्यादा कीमत। तो आज के लिए ये वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्रिलिया RX 150 बाइक के बारे में। तब तक के लिए अच्छे रहे, सुस्त रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फेसबुक पे शेयर करके हम लोगों को सपोर्ट करने की एक छोटा मिनती करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।